जय हिंद, आप सभी को स्वागत है आपका तेज साइंस एडमिशन में। तो आज का वीडियो एनसीसी कैडेटों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पहले तो एनसीसी कैडेटों को ऑफिसर बनने के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर मिलता है, जिसके थ्रू वो एनसीसी सी सर्टिफिकेट पास करके डायरेक्ट एसएससी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हैं। आईएमए मिलिट्री अकेडमी देहरादून में 64 सीटें आरक्षित है। इसके बाद आपका वो टीएच चेन्नई में 100 सीटें और भी मतलब सारी डिफेंस की नौकरियों में प्रीफ्रेंस मिलती थी। बट अभी जो मैं आपको न्यूज बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग देख रहे हैं इस पेज पर पेपर पर, अभी हाल ही में आया है, कल परसों का न्यूज है ये। तो अब एनसीसी का आप लोग ने सुपर 30 का नाम सुना होगा, जो कि आनंद सर पटना में चलाते हैं सुपर 30, जो कि टेस्ट लेने के बाद 30 स्टूडेंट का वो सिलेक्शन करते हैं सुपर 30 में, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ाते हैं और वो 300 वो इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाते हैं सुपर 30। और 300 के 300 लगभग आईआईटी में, एनआईटी की छोड़िए, आईआईटी में अच्छे रैंक से, अच्छे कॉलेज में, टॉप कॉलेज में उनका सिलेक्शन होता है। इतना बढ़िया उसमें प्रिपरेशन होता है सुपर 30 में। तो उसी तरह से अब एनसीसी में भी सुपर 30 क्लास चलाई जाएगी, एनसीसी में भी सुपर 30 होगा। आप देख सकते इसमें सैन्य बलों में ऑफिसर के रूप में भर्ती कराने के लिए विशेष तैयारी कराई जाएगी। हर राज्य में बनाए जाएंगे बैच, सभी राज्य में 30 एनसीसी कैडेटों का सिलेक्शन होगा। सुपर 30 की तरह एनडीए के लिए तैयार होंगे एनसीसी कैडेट, मतलब कि जो एनडीए सीडीएस होता है ना ऑफिसर के लिए, जिससे डायरेक्ट आप लेफ्टिनेंट पोस्ट पे जाते हैं, तो अब उसके लिए एनसीसी कैडेटों का प्रत्येक स्टेट में, हर एक स्टेट में सुपर 30 बैच क्रिएट किया जाएगा और एनसीसी कैडेटों का टेस्ट लेकर सिलेक्शन किया जाएगा, जो लोग ऑफिसर बनने के लायक होंगे, योग्य होंगे। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाओ। इसके लिए आपका इंग्लिश पर पकड़ काफ़ी मजबूत होना चाहिए और आपकी नॉलेज मतलब सर्वज्ञ टाइप का होना चाहिए, सभी फील्ड से आपके नॉलेज होने चाहिए। और करंट अफेयर्स का तो छोड़ ही दो, उसका तो बात ही मत करो, उसमें मतलब आपको एकदम रेगुलर करंट अफेयर्स का जानकारी होनी चाहिए, सारा कुछ। चलिए हम लोग देखते हैं न्यूज क्या क्या है, पढ़ते हैं। 15 लाख कैडेट अभी देश में एनसीसी की कई श्रेणियाँ में है। टोटल एनसीसी कैडेटों की संख्या अभी इंडिया में 15 लाख हो चुकी है। उसके बाद 34% के करीब इनमें लड़कियों की भागीदारी है, 34% है। 15 लाख का 34% आप काउंट कर लो, उतनी गर्ल्स है। इसलिए खास देश के हर राज्य में लगभग सभी जिलों में इस समय एनसीसी के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में एनसीसी कैडेट है, एनसीसी बटालियन है, ऑफिस है, मतलब एनसीसी अवेलेबल है। 17,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान एनसीसी से जुड़े हुए हैं और इनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछली बार भी अभी जो प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बोला था कि जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे 1 लाख एनसीसी कैडेटों की बढ़ोतरी होगी, मतलब नए नए यूनिट बनाए जाएंगे। मौजूदा एनसीसी कैडेट में 50% शहरी तथा 42% ग्रामीण छात्र जिन्हें बेहतर मौका मिलेगा। इसके बाद आइए हम लोग यहाँ पर न्यूज देखते हैं। ये आपका दिल्ली में निकला हुआ है न्यूज, दिल्ली हेडक्वार्टर से निकला हुआ है एनसीसी। सैन्य बलों में एनसीसी कैडेट्स को बतौर ऑफिसर भर्ती कराने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है। एनसीसी महानिदेशालय ने इसके लिए इंजीनियरिंग के सुपर 30 की भांति हर राज्य में बैच बनाने का फैसला किया। मैंने आपको पहले भी पढ़ के बताया कि जैसे सुपर 30 है 30 बच्चों का सिलेक्शन वो इंजीनियरिंग के लिए करती है, उसी तरह से हर राज्य में 30 एनसीसी कैडेटों का टेस्ट लेकर सुपर 30 एनसीसी का बैच बनाया जाएगा, जो कि ऑफिसर के लिए आपको एनडीए के लिए तैयार किया जाएगा। इन्हें एनडीए की विशेष तैयारी कराई जाएगी। मकसद यह है कि हर बार एनडीए परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कैडेट चुने जाए, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ एनसीसी कैडेट ही एनडीए में सिलेक्ट हो ऑफिसर के लिए, और वहाँ पे हमारे देश का काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि एनसीसी कैडेट पहले से ट्रेंड होते हैं तो वहाँ पर इनको काफ़ी सहूलियत होगी, और जो ट्रेनिंग देंगे वहाँ पर भी उनको भी सहूलियत होगी। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, पटना के आनंद कुमार ने आईआईटी में प्रवेश के लिए कुछ साल पूर्व सुपर 30 की स्थापना की थी, जो बेहद सफल रही। इसमें 30 छात्रों का बैच बनाया जाता है तथा उन्हें विशेष कोचिंग देकर जेईई मेन एवं एडवांस परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। जेईई मेन के थ्रू आप एनआईटी ट्रिपल ई में जाते हैं और एडवांस परीक्षा जो क्लियर करते हैं उनका आईआईटी में सिलेक्शन होता है। मैंने आपको फुल फॉर्म बता रखा है ना आईआईटी का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसमें जाते हैं। अक्सर उनके 30 में से 30 बच्चे परीक्षा में चुने जाते हैं। इसी पैटर्न को एनसीसी भी अपना रही है। एनसीसी के सूत्रों के अनुसार अभी सैन्य बलों में बतौर अफसर एनसीसी से 20 से 30 अफसर ही प्रतिवर्ष चुने जा रहे हैं, मतलब कि ऐसा नोटिस किया गया, आंकड़ा मिलाया गया, चेक किया गया, तो ऐसा पाया गया है कि अभी प्रत्येक वर्ष एनडीए सीडीएस एग्ज़ाम होता है ना ऑफिसर के लिए, तो उसमें केवल 300 कुछ सीटों पर होती है भर्ती एनडीए वगैरह की,
तो उसमें केवल 22 से 30 एनसीसी कैडेट्स ही ऑफिसर के लिए सिलेक्ट हो पा रहा है। तो इसी को देखते हुए एनसीसी कैडेटों की संख्या में ऑफिसर ग्रेड में बढ़ोतरी करने के लिए सुपर 30 बैच का प्रत्येक राज्य में सुपर 30 बैच बनाया जाएगा और उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, गाइड किया जाएगा, स्पेशली एनडीए के लिए उनको तैयार किया जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाओ, जो लोग बेस्ट परफॉर्म करेंगे टेस्ट होगा, जो पास करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, इसमें कोई आपकी पैरवी नहीं होगी। आप जानते हो कि आर्मी में कोई पैरवी नहीं होता, तो सिलेक्शन आर्मी के सीओ से आप लोग ही करेंगे, आपके एनसीसी बटालियन से टेस्ट लेकर। तो आप अभी से प्रिपरेशन हो जाए, इंग्लिश आपका बेस्ट होना चाहिए, इसके बाद मैथ साइंस जो भी एनडीए में पूछता है आप देख लो सब्जेक्ट कौन कौन सा है और बढ़िया से प्रिपरेशन करो, और इंग्लिश तो मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए फटाफट। नेक्स्ट है, यह संख्या बेहद कम है, 22 से 30 ही अफसर बन पाते हैं, तो काफ़ी कम है, 15 लाख में 22 से 30 मात्र। इसे बढ़ाने के लिए सभी राज्यों में एक एक सुपर 30 बैच बनवाने की तैयारी की जा रही है। प्रत्येक राज्य में एक बैच बनेगा, मतलब एक राज्य से 30 एनसीसी कैडेटों का सिलेक्शन किया जाएगा, जिन्हें स्पेशली स्पेशल तरीके से एनडीए के लिए उनको तैयारी कराई जाएगी। अगले 2 से 3 सालों के भीतर इन सभी राज्यों में इन बैचों का गठन कर परीक्षा की तैयारी शुरू भी कर दी जाएगी। मतलब अभी से ये नहीं लागू होगा, इसमें अभी आपका टाइम लगेंगे, मतलब 2 से 3 साल के अंदर, लेकिन हो जाएगा, ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और जो आर्मी जीडी वगैरह जिसमें आपका एनसीसी का सीटी अभी आरक्षित नहीं है, तो वो भी पास हो चुका है, एनसीसी का स्पेशल भर्ती होगा, वो आर्मी जीडी वगैरह जो होता है ना क्लर्क वगैरह, उसका स्पेशल भर्ती होगी, एनसीसी की जैसे रिलेशन भर्ती होती है उस तरह से। तो बट वो भी अभी लागू नहीं हो, बट पास हो चुका है बहुत पहले ही। इस मुद्दे पर कुछ समय पूर्व एनसीसी ने रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति के समक्ष भी एक प्रेजेंटेशन दिया था। तो इससे मतलब डिफेंस मिनिस्टर वगैरह, डिफेंस मंत्रालय से भी बात हो चुकी है डिफेंस मिनिस्ट्री से। नेक्स्ट है, सेना में भागीदारी बढ़ाने पर जोर, कैडेट्स को अर्धसैनिक बलों, सेना व पुलिस बलों में प्राथमिकता मिलती है। मैंने आपको बता चुका है, या फिर मैं अभी एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें काफ़ी अच्छे से बता दूंगा कि कहां कहां पे एनसीसी कैडेट को बेनिफिट मिलता है और कितना बेनिफिट मिलता है, अर्धसैनिक में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में कितना मिलता है, पुलिस बल में कितना मिलता है, आर्मी में कितना मिलता है, सारा बता दूंगा, ऑफिसर के लिए कितना मिलता है, कहां पे कितनी सीटें आरक्षित है। लेकिन इसके बावजूद सेनाओं में बतौर अफसर एनसीसी कैडेट्स को एंट्री कम मिल पा रही है, बाकी जगह बेनिफिट मिलने के बावजूद भी एनसीसी कैडेट इतना मेहनत करके प्रिपरेशन करते, इतनी मतलब आर्मी एयर और नेवी की बेसिक ट्रेनिंग सीखने के बावजूद भी इनको ऑफिसर के लिए काफ़ी कम एनसीसी कैडेट्स का सिलेक्शन हो रहा है, जिसे बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। तो इसी कमी को देखते हुए ये सुपर 30 बैच बनाने का निर्णय लिया गया। तो आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन करेंगे और एक दूसरे की हेल्प भी ले सकते हो अपने साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो बढ़िया पढ़ने में है या फिर जो इसके लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो आप एक दूसरे के साथ मिलकर अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ, अभी 2-3 साल टाइम है, तो आप बेस्ट बेहतर करो। समझ सकते हो, आपके एक स्टेट से केवल 30 एनसीसी कैडेट का सिलेक्शन होगा, मतलब कंपटीशन कितना टफ होगा, मतलब आपके स्टेट में फिर भी नंबर ऑफ एक बटालियन में आपका 1200 से 1400 एनसीसी कैडेट होते हैं एक बटालियन में कम से कम। तो आप समझ सकते हो आपके स्टेट में कितने ज़िले हैं, कितने बटालियन होंगे, तो कितने एनसीसी कैडेट्स में से केवल 30 लोगों का सिलेक्शन होगा। तो आप बढ़िया से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको सारी जानकारी देता रहूँगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको जब भी नोटिफिकेशन अपलोड करूँ, क्लास हो, कोई भी वीडियो अपलोड करूँ, नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।